जय श्री राम। आप सब जनों को आज के एक वीडियो में स्वागत है, जो कि आप और हम बता दें बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर केस दर्ज हो गया है। वे हमेशा अपने बयानों की वजह से, कथा की वजह से, अपने प्रवचनों की वजह से और ऐसे विरोध बयान देते रहते हैं कि उनकी वजह से हमेशा चर्चाओं में बने रहते गुरुदेव यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो आज वैसे एक जानकारी लेके आए हैं आप औरों के लाने, तो आप औरों के लाने अनुरोध जो ही रहे कि आप और वीडियो हो शुरू से लेके आखिर तक देखें। जैसे कि अभी हमने कही आप और देखत नहीं है, इसे हम बार बार कहने पर आते हैं आप और देखो अगर वीडियो के लाने, पूरा वीडियो देखें और आप और कमेंट भी करके बताओ कि कहाँ कमी है, कहाँ गलती है, कहाँ मिस्टेक है, तो हमें समझ में आए, हमें गलती सुधारें हम। और आगे देखो आप और इससे क्या होने जब तक हमें कैसे पता पर है, आप और जो भी पता है कि इतनी ज़्यादा वीडियो हम नहीं जाना था बना के, मतलब ऐसी बनाते हैं और ज़्यादा यूट्यूब के बारे में ऐसी ज़्यादा जानकारी नहीं है हमारे पास में, तो आप और से पूछते रहते तो आप और बता देव करे, कमेंट करके बता देव करे दीदी भैया हरो। तो चलो वीडियो में दे रहा है जानकारी खास, जो बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं उनके ऊपर ग्वालियर की एक अदालत ने परिपाठ से मतलब केस लगो है, नोटिस भेजोगा तो गुरुदेव किलाने बागेश्वर धाम सरकार किलाने, तो नोटिस को कुछ जवाब नहीं मिले पे कार्रवाई भई है कि जो के आप और हम बता दें कि आराध्य नहीं 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 हाथ नहीं डालो, तो गुरुदेव के खिलाफ जो केस दर्ज भाव तो हमने आपको तो मई अप्रैल की बात है जा जी अपने जब सागर मध्य प्रदेश में कथा हो रही थी, अपने मतलब बुंदेलखंड में कथा हो रही थी आप और याद हुई है शायद नहीं हुई है तो कछु नहीं है, हम आपको याद दिला दे रहे हैं। बुंदेलखंड सागर में कथा के दौरान गुरुदेव ने कथा के दौरान एक बात बोली थी जो कछु समाज वारों हों मतलब कैचुली समाज वारों हों सहस्त्र बहु भगवान की टिप्पणी करी गई थी, जो कि भगवान परशुराम और सहस्त्र बहु भगवान के बीच में युद्ध भाव तो उनके लाने गुरुदेव ने बलात्कारी। अब देखो जी भैया आरोप लग रहे हैं, हमने भी वीडियो नहीं देखो हुआ सही बताया जो, तो गुरुदेव को आरोप लग रहे हैं कि शास्त्र बहु भगवान के लाने बलात्कारी दुष्टाचारी और अत्याचारी के आरोप लगाए थे गुरुदेव ने, जो कि उन शास्त्र बहु भगवान के जो कि वे हैं जो उनको आराध्य माना थे, आराध्य हैं या कैचली समाज है और देवेंस्य समाज है, ऐसी बहुत सी समाज हैं जो उनके आराध्य हैं सहस्त्र बहु भगवान, जो उनके अपन सहस्त्र बहु अर्जुन के नाम से भी जानते हैं भैया, देवता 36 करोड़ देवता हैं भैया, सब अपने अपने देवी देवता हैं जो भी जो उनकी आराध्य हों जो उनकी पूजा करें भैया बेजान है, पर नहीं कोई की धर्म अर्म के बारे में हम नहीं बोले, कब अपनी अपनी पूजा सबके लाने महान रहते हैं, अपने देवता सबके लाने अपने अपने प्रिय रहते हैं, तो गुरुदेव ने जो बोली थी और उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, उन्हें जो बोली थी कि अगर हमारी अच्छी भी बातों से कोई की कोई किलाने हाथ पहुँचे हो तो क्षमा करियो, लेकिन जो नकेचुली समाज ने आरोप लगा है उनके लाने इतनी बात से संतुष्टि नहीं है, तो उनकी पेशी होने हैं कब, 1 जुलाई हो, 1 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी भी हो सका था शायद, अब जे हम नहीं कह रहे कि गिरफ्तारी हुई जी कहाँ, वो बोल रहे हैं एडवोकेट हैं अनुपम पूरो का नाम है वो हम भूल गए हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो उनने बोली है ये बात। और हाँ एक दीदी बोल रही थी कि आवाज़ नहीं आती, मध्य आवाज़ आते तो हमारी इतना तबीयत खराब चल रही थी कुछ दिन से, तो ओके कारण हमारी आवाज़ कम आ रही थी, मतलब बोलवे की बस की नहीं थी, बोल रहे थे लेकिन आप और तक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, अकेला ने एक दीदी बोल रही थी कि आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी वीडियो में, कैस का मतलब है वीडियो बनावे को, तो दीदी सॉरी माफ़ कर दीजिए हमारा नहीं कैसे हैं तबीयत ठीक नहीं थी, सो की वजह से मध्य बोल रहे थे और ये भी नहीं छोड़ भी नहीं सकते कि भैया आज वीडियो बनाओ फिर वीडियो बनने बनाए आप और के पास आप और वैसे हमारी वीडियो कम देखा था, तो भैया एक ही वजह से सॉरी बोल रहा दीदी के लाने और सभी जनों के लाने तबीयत ठीक नहीं आती की वजह से वीडियो नहीं बना पाए हमने, तो चलो ठीक है आज की जानकारी इतनी रहने दे। और हाँ आप 9 जुलाई को पता चले कि का होने है का नहीं हो रहा हुआ है वो तो, और हाँ एक बात और बता दें कि उनके ग्वालियर में पेशी होने हैं गुरुदेव की और 3 उनके जिला के 3 थानों में आवेदन दा होगा उनकी गिरफ्तारी को FIR को, और अब जो कछु हो जाए सो भगवान जाने, कछु तो हुई है तो है ना कैसे अपन सबको पता है कि उनके ऊपर बालाजी महाराज की कृपा है, अनुर बाबा की कृपा है, जो उनके लाना उनको का हो जाए बताओ,
चलो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रहने हैं, ऐसे लंबो हो जाए फिर अपलोड ना हुई है। जय श्री राम।